पिछले कई दिनों से चंबा जिला के लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जो भय का माहौल बना हुआ था, आज सुबह पूरी तरह से समाप्त हो गया। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग ने जिला चंबा के चुराह उपमंडल में शंका के आधार पर कुछ लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए थे, लेकिन करीब 2-3 दिनों से उसकी रिपोर्ट नहीं आई, जिसके चलते जिला वासियों में इस रिपोर्ट को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई थी। सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने जिला वासियों के लिए एक राहत भरी सूचना जारी की है। डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए चुराह क्षेत्र के कुछ लोगों के जो सैंपल लिए थे, उन सब की रिपोर्ट आ गई है और एक को छोड़कर सभी सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। सीएमओ चंबा द्वारा ये जानकारी दिए जाने से अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि चुराह उपमंडल में पूरब में जो 4 मामले कोरोना वायरस के सामने आए थे, उसके अतिरिक्त और कोई भी मामला नहीं है। प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के साथ साथ जिला के लोगों के लिए ये जानकारी राहत पहुंच, क्योंकि पूरब में जिन चुराह के रहने वाले 4 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, उनके संपर्क में कई लोगों के आने की बात कही जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ लोगों के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अब जिला चंबा में एक व्यक्ति को छोड़कर और कोई दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। हालांकि ये राहत देने वाली खबर आज आई है, जिसके चलते जिला उपायुक्त विवेक भाटिया ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी प्रेस को भी दी है। अभी जो पूरे विश्व में एक जो कोरोना संक्रमण एक महामारी के रूप में जो आई है, जिससे पूरे देश, हमारा देश भी अछूता नहीं है और हमारा प्रदेश भी, इसके तहत हमारे जिला चंबा में भी कोरोना के कुछ मामले पीछे पॉजिटिव आए, मगर अभी हेल्थ विभाग ने कुछ मामले जो टेस्ट करके टांडा भेजे, उसमें वो मामले अभी नेगेटिव आए हैं। वो हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है, मगर जिस तरह से हमारे जो प्रदेश सरकार एक एहतियात के तौर पर जिस तरह से उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हमारे लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। सब जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व, उसमें पूरा भारत जो है, वो एक COVID-19 एक भयानक बीमारी के महामारी के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में ये है कि अभी हमारे चंबा जिला से जो है वो 4 जो है पॉजिटिव मामले सामने आए थे, तो अभी बहुत ही खुशी का विषय है कि वो पॉजिटिव मामले अब जो है वो इलाज के बाद जो है वो नेगेटिव हो गए हैं। और कुछ चंबा जिला से सैंपल भेजे गए थे टांडा मेडिकल कॉलेज में, और वो बहुत ही खुशी का विषय है कि वो सब के सब जो है वो नेगेटिव है। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो समस्त चंबा जिला है, वो गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी एहतियात दी गई हुई है, उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आज हमने आपको थोड़ी जानकारी देने के लिए बुलाया है कि आज तक हमारे 80 टेस्ट टोटल जिले में हो चुके हैं, जिनमें से आपको पता है कि 4 पॉजिटिव आए। 80 में से आपके 27 जो साहो के थे, 11 आपके तीसा में जो क्वारंटीन किए हुए थे लोग उसके थे, जिसमें से 4 पॉजिटिव आए थे, और 37 हमारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन 4 पॉजिटिव लोगों के थे वो थे, और इसके अलावा 5 और मिसलेनियस थे। एक इनिशियली किया गया था, 2 हेल्थ वर्कर, एक पुलिस के जवान थे, और एक हमारे बाहर से हेल्थ वर्कर आए थे, उनका तो कुल मिला के 80 हुए थे। तो जो 4 पॉजिटिव हुए थे, इनमें से जो 3 हैं उनकी जो अभी रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव हो चुके हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।